Hello everyone, this is Amira. I'm a spiritual life coach, motivational speaker, tarot card reader, numerologist and a vastu expert. और मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपकी स्पेशल रीडिंग्स के साथ में। जी हाँ, ये रीडिंग्स हैं स्पेशल क्योंकि ये हैं बर्थडे रीडिंग्स। सो जिन भी लोगों का है आज जन्मदिन, यानी कि 3 दिसंबर को जो भी लोग जन्मे हैं उनका आने वाला समय कैसा रहेगा, उनका आने वाला ऑलमोस्ट एक साल कैसा रहने वाला है, ये मैं आपको बताऊँगी आज आपके लिए। मैं भूल गई आपको विश करना। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। चलिए बात करते हैं अपने कार्ड्स की। कार्ड्स क्या आए हैं आपके लिए? पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, ब्रेक फ्री, टेक एक्शन, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्प्रेस एंड द सन। मतलब भाई तूफान आने वाला है, लिटरली तूफान आने वाला है आपकी लाइफ में इस अगले एक साल के अंदर। और खास करके शुरुआती तौर में ही मुझे लगता है ये तूफान ज़्यादा आ जाएगा दिसंबर के महीने में ही। अभी हम जो आपका बर्थडे मंथ है, मुझे लगता है वो तूफान की जो शुरुआत है वो उस मंथ से ही हो जाने वाली है। आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग और बहुत ही डिस्ट्रक्टिव भरी एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हो। आपने भी सोच लिया है कि जिसको जाना है मेरी लाइफ से वो चला जाए, जिसको रुकना है वो रुके, जिसको मेरा साथ देना है दो, नहीं देना भाड़ में जाओ। मतलब लिटरली आप इस वाली एनर्जी में हो और ज़ुबान के बहुत कड़वे भी हो रखे हो कि अगर इस मोमेंट पे अगर कोई भी आपसे पंगे लेगा तो आप उसको बख्शोगे नहीं, ऐसी एनर्जी दिखाई देती है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग तो यहाँ पे देखिए कार्ड ही आ रखा है, कहीं ना कहीं ये तूफान की चेतावनी दी जा रही है कि आने वाले समय में जीवन के अंदर तूफान आ सकता है। आप अपने आप को ब्रेक फ्री करोगे, ट्राई डिफरेंट वेंचर्स एंड एक्सपीरियंस एज अ वे टू ग्रो टू लर्न। यहाँ पे मेन मैसेज क्या मिल रहा है कि एक मुझे लगता है कि आप एग्जिस्टिंग जो भी आपकी जॉब है आप उसको छोड़ने वाले हो, यू विल डेफिनेटली वॉन्ट समथिंग एल्स। तो ये एक तो होता है कि इंसान दूसरी जॉब, एक आप जॉब कर रहे हो आपको जॉब चेंज कर रही है, आप दूसरा ऑप्शन देखोगे, दूसरी जगह जॉब लग जाएगी, आप पहली वाली को छोड़ दोगे और दूसरी जगह चले जाओगे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा मुझे, यहाँ पे दूसरी जॉब मिले ना मिले, बोलते ना मुंह पे ये लो रेजिग्नेशन मारा दिखा कैसे, वैसी वाली एनर्जी आ रही है कि इस बार जहाँ कहीं भी आप हो तो आप कहीं ना कहीं एंगर में, गुस्से में अपनी जॉब को क्विट कर दोगे बिना दूसरी जॉब मिले, इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है। सेम मैसेज आपके रिश्तों को लेकर के भी आ रहा है कि कुछ रिश्तों के मामले में आपने बहुत टाइम से जो है कंट्रोल कर रखा था, आपको समझ नहीं आ रहा था कि मुझे इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बट फाइनली यू आर ब्रेकिंग फ्री योर सेल्फ। आप उस रिश्ते से भी जो है बाहर आएंगे। मुझे कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में रिश्तों के साथ भी मैं बोलूँ खिलवाड़ तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ मैं बोलूँगी कि फाइनली उस स्टेज पे हो कि अब आपको कोई बॉदरेशन ही नहीं रही है, तो कोई ना कोई रिश्ता भी जो है आने वाले समय में आपका ख़त्म हो सकता है। और नो डाउट मैं बोलूँगी कि जब बोलते हैं ना कि जब ये तूफान के बाद जो है कहीं ना कहीं एक नया सवेरा आता है, एक नया सूरज निकलता है, तो वो आपकी लाइफ में भी निकल रहा है। सन एम्प्रेस का कार्ड साथ बैठे हुए हैं, यानी कि लाइफ में चीज़ें आपकी ये जो हो रही है ना, ये आपके कर्म थे, समझ लेना बहुत मोटे कर्म काटने वाले हो इस साल में। उसके बाद में जीवन के अंदर आएगी खुशहाली। जी हाँ, फेम मिलेगा, नेम मिलेगा, अबंडेंस मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। उससे पहले होते ना मौत से गुजरना पड़ेगा नया बर्थ लेने के लिए, तो इतना आसान नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, सही सलामत दूसरी बार चले गए तो जिंदगी बहुत खूबसूरत भी होने वाली है। आपको एक नई पहचान मिलेगी, नया काम भी मिलेगा और उस काम में बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे। अगर आप जॉब छोड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, उसकी एनर्जी सुपर बनेगी यहाँ पे और आपके लिए पॉजिटिव भी रहेगा। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का कार्ड आया है आपकी लव लाइफ को लेकर के, तो अगर कुछ जो हमारे बच्चे नए नए किसी रिलेशनशिप में आए हैं और आपको बहुत ज़्यादा ये फीलिंग आ रही है कि हाँ आई तो नो हर, पता नहीं ऐसे बहुत पहले से, लड़की बोलेगी अरे मुझे तो इससे मिलके ऐसे लगता है कि बस इसका मेरा जन्मों जन्मों का साथ है, तो भैया लगता नहीं है, है एक्चुअली आप लोग पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में थे इसीलिए इस जन्म में मिले हो। तो आपको अगर इस बातों का एहसास ऐसा होता है, ऐसी फीलिंग्स आती है, तो वो सही है, नेचुरल है, नॉर्मल है। प्यार को लेकर के भी एक्शन लीजिए लाइफ के अंदर, अगर प्यार चाहिए तो बैठे बैठे कुछ नहीं आएगा, ना नई जॉब मिलेगी ना नया प्यार आएगा, कुछ भी चाहिए टेक एक्शन आपके लिए मैसेज है। बात करेंगे आपको, सम अप करेंगे आपकी रीडिंग को। महीने अगर मैं आपको बताऊं तो आपको दिसंबर जो आपका खुद का बर्थडे मंथ है, फरवरी, जनवरी, इन सब में रखना है खास ख्याल। मार्च का महीना अच्छा रहेगा और अगले उसके बाद मार्च के महीने से आपकी चीज़ें चेंज होनी शुरू होंगी एंड अगस्त के महीने तक मुझे लगता है अबंडेंस का टाइम जो है आ जाएगा, उठ जाएगा, उसके बाद चीज़ें अच्छी हैं। लकी नंबर की अगर बात करूँ तो नंबर 3 आपके लिए लकी रहेगा। लकी कलर की अगर हम बात करें तो ब्राइट येलो एंड ब्लैक कलर आपके लिए लकी रहेगा। I hope you like the readings. If you are liking the readings, आपको अपना पर्सनल सेशन मेरे साथ बुक करना है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप अपॉइंटमेंट के लिए कॉल कर सकते हैं और अपना सेशन बुक करा सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स आर चार्जेबल। थैंक यू।